कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया। तो आज फिर हम अगले फेज के लिए अपने घर आए हैं। तो एक दो दिन में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो अभी तक जो काम है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो लाइट का पेंडिंग था या कुछ इस तरह से, तो हरिओम राम राम सबको। तो आज हम फिर से अपने घर में आए हैं बड़ी देर के बाद। आज फिर थोड़ा सा काम स्टार्ट किया है। तो कुछ इस तरह का व्यू है। ये हमारा रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं। और ये कुछ इस तरह का एरिया है। तो अब देखते हैं, बारिश दो दिन बड़ी हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं। कुछ ये था, ये आज वाइट वॉश का कर दिया स्टार्ट। तो आज थोड़ा बहुत सामान हम लेके आ चुके हैं यहाँ। अंजू देवी कर रही है सफाई, तो यहाँ से हमने सारा धो लिया हुआ है और ये लग चुकी है धो के। कुछ ऐसा बाहर लॉन भी है छोटा सा, तो ये रूम भी साफ़ कर दिया हुआ हमने। और इससे पूरा साफ़ तो नहीं हो पाया क्योंकि पानी आज अच्छे से नहीं आ रहा था। तो यहाँ पीछे वाला पेंडिंग है फ्रंट फ्रंट से, तो बहुत जल्द हम यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लिप के साथ। और हमारे घर से सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। ऐसा व्यू है हमारे घर के सामने। कुछ लोग घास इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ लोग घास काट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बस ये जो महीना होता है, इस महीने में गांव में किसी भी आदमी के पास टाइम नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे। तो आज का काम हमने कर दिया है पूरा ही पूरा। आज लाइट का सारा कंप्लीट हो जाएगा। स्विचेस ही पेंडिंग है, बाकी लगभग हो चुका है। छत वाली लाइट कि कौन सी लाइट बोलते हैं रफीक इसको, कंसील्ड लाइट्स लग गई हैं। और ये वाले नॉर्मल होल्डर्स का भी ऑप्शन लिया हुआ है हमने, वो भी लगा देंगे। तो लकड़ी वाले का भी काम अभी पेंडिंग है। थोड़ा सा मशरूम भी इनकम्प्लीट है, पर हमें शिफ्ट कर देना है। तो आज हम लक्ष्य ट्रैक्टर पे इंजॉय करते हैं। लक्ष्य आ जाओ, हम जा रहे हैं, वो अंकल आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, चलो। ने शिफ्ट करना था अपने रूम में, तो बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है और अभी काफ़ी सारा सामान हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है जो हमने डाला नहीं है। तो देखते हैं अब क्या होता है, अभी जाना तो पड़ेगा। बारिश अब देखो कितनी बारिश हो रही है, पूरी रात से हो रही है बारिश। और सर्दी भी बहुत बढ़ गई है, हम लोगों ने अपने कपड़े भी नीचे भेज दिए हुए। तो देखते हैं, शिफ्ट तो करना है मम्मी पापा। आज हमें शिफ्ट करना है अपने घर में और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और हमारा प्लान सारा चौपट हो गया है। जो भी हमने प्लान किया था वो सारा का सारा ऐसा ही रह गया। और ऊपर से आज जो मुकुर वाली रोड है वो भी बंद हो चुकी है।
और नहीं बनाऊंगी बना दे मैं स्कूल वालों को दे दूंगा भैया मिठाई का डब्बा ले आना प्लीज वो बात की बात अभी बर्तन नहीं है ना बड़ा तो ये अब हलवा हो चुका है तैयार। ये देखो काजू बादाम दिख रहे हैं। पूजा होगी इसकी, कन्या पूजन होगा इसके बाद। कन्या एक ही मिलेगी, कन्या को पूजन करना है हमें। तैयार होंगे तो ऑलमोस्ट जो भी सारा काम हो ही चुका है। पूजा चल रही है, पूजा के बाद अब रितिका, मेरी बीवी का नाम भी रितिका है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? दीवांश, आपने कल भी मुझे बताया था। तो ठीक है, अब हम आओ कार ले से। पहले शिवा नाम वाले को पूछेंगे। शिवा का अच्छा हाईलैंड है ना? ए बुद्धे नहीं दर में तो चलो कुल मिला के हमारा गृह प्रवेश वाओ, इसको चूड़ी पहना रहे हो, बड़ी सुंदर लग रही है। कंजक का मूल खराब है और इसका नाम भी रितिका है। तो अब सर्दी बढ़ चुकी है और एक बिस्तरा भी हमने सेट कर दिया है दादी के साथ। दादी भी यहाँ बैठ चुकी हैं आज हमारे घर में। आज है अम्मा, आज देर लग गया तो आना है। बेबी किसने प्लक में की? और इस तरह का व्यू है हमारे घर के सामने। सारा मुहूर्त हो चुका है तो अब हम इसके बाद निकल जाएंगे अपने घर के लिए। ये हमारा पुराना घर, तो दादी भी अब जा रहे हैं वापस अपने घर में। तो बस अब हमारी पैकिंग हो चुकी है। अंजू ने भी बर्तन शर्तन साफ किए जो हमने खाया पिया था। दादी के घर में ये रहा हमारा पुराना वाला घर। तो बस अब हम लोग 5-7 मिनट में हम मेरी बाइक लगी रही है तो दादी को चलने में दिक्कत आ रही है, तो आप दादी को गाड़ी में बिठा के ही ड्रॉप कर देंगे। फिर दादी को छोड़ के वहाँ से चले जाएंगे वापस। फोन करा लिया, फोन से।